टेक्निकल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज आपको हम फ्यूज के साथ में बोर्ड की वायरिंग करके दिखाएंगे, फुल प्रैक्टिकल में दिखाएंगे आपको पूरी तरह, एक एक बात तार बताएंगे आपको कौन सी तार कहाँ पे लगानी है, सब फुल डिटेल में आपको आज बताएंगे। देखिए दोस्तों, ये 10 मॉडल अपना बोर्ड है, ये बोर्ड का प्लेट है जो जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 स्विच लगी हुई है, यहाँ पे 2 फ्यूज लगे हुए हैं और एक इंडिकेटर लगा हुआ है, यहाँ पे 5 पिन 1 सॉकेट लगा हुआ है और एक हमको ये प्लेट अलग से भी मिल जाती है और एक पीछे से फिटिंग जो हमको ऐसे कि किसी भी यहाँ पे दीवार पे ऐसे करके फिट कर सकते हैं और इसके ऊपर से हमें ये कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें 1 2 3 4 5 6 स्विच लगी हुई है और पीछे से आपको हम इसका पूरा वीडियो दिखाएंगे कि कैसे आप इसमें कौन सी तार कहाँ पे लगेगी और कौन सी तार कहाँ पे लगेगी, पूरे डिटेल में आपको आज विस्तार से हम बताएंगे। तो चलो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने सिंपली करना कुछ नहीं है, सबसे पहले मार्केट जाना है और ऐसी स्विचें लानी है जो कि वन वे है, ऐसी बोलना है कि हमको स्विच चाहिए, ऐसे आपको मार्केट से स्विच मिल जाएगी। इसके साथ में आपको ये 2 स्क्रू मिल जाते हैं ऐसे कसने के लिए, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले ही कस चुका हूँ। देखिए दोस्तों, ऐसे आपको ये स्विच मिल जाएगी मार्केट से और ये आपको 5 पिन भी ऐसे इस तरह से मिल जाएगा और ये इंडिकेटर भी है जो हमको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा, बहुत ही ईजिली है दोस्तों। और ये जो हम फ्यूज है वो इस टाइप में आता है, ये देखिए दोस्तों, ये आराम से निकल जाएगा, ऐसे हमको मिलेगा। पर इसमें हमको यहाँ से पतली वायर लगानी है, जितने हमारे घर का लोड होगा उस हिसाब से यहाँ पे हम वायर लगा सकते हैं। जैसे कि दो वायर लगाएंगे, किसी भी वायर से 2 वायर लगा निकाल कर अगर 2 वायर यहाँ पे लगाएंगे तो 2 एम्पियर का हो जाएगा। जैसे कि इतनी पतली वायर होती है हमारी, इतनी पतली में से 2 वायर हम निकाल के लगाएंगे तो हमारा ये 2 एम्पियर का लोड हो जाएगा। दोस्तों हमारे घर के अनुसार से हम अपना लोड बना सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले अपने करना कुछ नहीं है, एक छोटा वायर का टुकड़ा लेना है यहाँ से, यहाँ पे कसने के लिए ये छोटा सा वायर का टुकड़ा लेना है आपने और यहाँ से यहाँ के लिए कस देना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ से एक टेस्टर की मदद से यहाँ से यहाँ पे कस देना है दोस्तों। एक पॉइंट इधर कस देना है इसका और दूसरा पॉइंट आपने यहाँ पे कस देना है। ये इसकी वायरिंग करने के लिए दोस्तों आपने तार थोड़ी सी मजबूत ही लेनी है, जितनी तार आपकी मजबूत रहेगी उतनी ही हमारी बोर्ड कंप्लीट बढ़िया रहेगा, ये कि कभी भी कुछ भी इस पे चला सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये स्विचे लगे हुए हैं ज्यादा से ज्यादा 6 एम्पियर की स्विचे हैं, तो आपको हम एक एक दिखाते हैं कि कौन सी वायर कहाँ पे लगेगी, कौन सी वायर कहाँ पे लगेगी। ये 5 पिन का सॉकेट के लिए है, देखिए दोस्तों ये वाला जो है हमारा इस स्विच के साथ कनेक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ से यहाँ एक वायर जोड़ दी है और दूसरी वायर क्या हम कम क्या करना है, हमने यहाँ से एक तार लेकर यहाँ के सबके नीचे, ये वाले जो नीचे वाले पॉइंट दिख रहे हैं आपको, सबसे नीचे वाले पॉइंट पर सबके बीच में से एक तार गुजार देनी है। देखिए दोस्तों, ऐसे आपने एक तार का टुकड़ा छीन लेना है पूरे का पूरा और नीचे सबका नट स्क्रू ढीला कर ऐसे आराम से नीचे की तरफ से इसको लगा देना है। देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी लग जाएगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत ही इजी लग जाएगा दोस्तों। स्क्रू कोई भी दोस्तों ढीला नहीं रखना है, पूरी तरह से टाइट कर देना है कि कोई लूजिंग हो जाएगी तो दोस्तों हमको बहुत परेशानी होगी, बाद में शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है इसमें, लूजिंग होने के बाद में दोस्तों बहुत ही दिक्कत हो जाती है, इसीलिए हमने पूरा अच्छी तरह से इसको टाइट कर देना है। देखिए दोस्तों, आपको समझाने में थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, सीखने के लिए तो दोस्तों स्किप मत करना, अगर आप जानते हो तो स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमने एक सीधी वायर यहाँ पे जोड़ देनी है न्यूट्रल के लिए, जो हमने नीचे से ये हुआ है यहाँ पे, आप इस पॉइंट से कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से बोल रहा हूँ आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से, पर यहाँ से नहीं ले सकते दोस्तों, यहाँ से ले सकते आप पर यहाँ से नहीं ले सकते हैं। एक वायर आप यहाँ से भी ले सकते हैं, जहाँ जैसे कि मैंने बोला था यहाँ से ले सकते हैं, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, कहीं पे इस निचले पॉइंट से कहीं से भी आप ये वायर ले सकते हैं मेन ज्वाइन करने के लिए। जैसे कि नियम के अनुसार दोस्तों न्यूट्रल वाली वायर जो नीचे हर एक पॉइंट को जाती है, पर प्रैक्टिकल हम करेंगे तो इसमें फेस की वायर आनी चाहिए। अगर हम प्रैक्टिकल पे जाते हैं तो फेस वायर सबके निचले पॉइंट में जाती है, अगर हम नियम के अनुसार से जाए तो हमको न्यूट्रल सबके नीचे से जाती है।
दोस्तों यहाँ पे हमको फ्यूज के डायरेक्ट यहाँ पे दे देनी है। आराम से कस देना है दोस्तों यहाँ से। देखिए मैंने यहाँ से एक वायर यहाँ पे कस दिया है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली दोस्तों। और सिंपली करना क्या है, अब एक वायर यहाँ से लेना है और इधर ले जो 5 पिन सॉकेट है हमारा ये वाला दोस्तों, ये वाला 5 पिन सॉकेट है हमारा, इसके इधर ले पॉइंट से यहाँ से लेकर अच्छे तरह से कस देना है इसको। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको अच्छी तरह से कस देना है, कहीं पे भी लूजिंग नहीं रखना है। अगर लूजिंग रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। सिंपली करना कुछ नहीं है दोस्तों, आपने इसको इंडिकेटर को चलाने के लिए हमको एक न्यूट्रल और फेस की डायरेक्ट लाइन चाहिए। न्यूट्रल और फेस के लिए हमको डायरेक्ट लाइन चाहिए था। हमारा ये इंडिकेटर है, इसके तरफ से यहाँ पे हम पॉइंट आ रहा है 2, तो इसको हम न्यूट्रल फेस डायरेक्ट दे देंगे। इसमें कोई भी दिक्कत दोस्तों नहीं होने वाली, आप आसानी तरीके से इसको बोर्ड वायरिंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मैंने इसको कस दिया है न्यूट्रल, यहाँ इसको इंडिकेटर को मैंने न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्ट दे दिया है और इसको फेस भी हम डायरेक्ट यहीं से दे देंगे। देखिए दोस्तों अगर इसमें आपको समझ नहीं आ रही तो लास्ट वीडियो में मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बता दूंगा कि आपने कैसे इसकी वायरिंग करनी है। अगर इसमें आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं इसको वीडियो के लास्ट में आपको मैंने कॉपी में बनाकर समझा दूंगा इसको, इसका डायग्राम बना के आपको समझा दूंगा कि आपको वायरिंग करने में कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों हमारा ये इंडिकेटर यहाँ से डायरेक्ट जलेगा, यहाँ से इसको फेस न्यूट्रल डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा और बाकी रह गया हमारा ये यहाँ पे एक स्विच है, तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं है। एक वायर यहाँ से जो हमने यहाँ पे दी हुई है, एक वायर आप यहाँ से यहाँ तक एक लास्ट में दे देंगे, यहाँ पे वायर लेकर यहाँ से यहाँ तक दे देना है। यहाँ से किसी भी पॉइंट से लेकर आप दे सकते हैं, तो वहाँ के वहाँ पर भी एक स्विच है, उसके निचले पॉइंट पे हमको इसको देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा ये स्विच है, देखिए ये वाला स्विच है हमारा, इसके निचले पॉइंट में आपको यहाँ पे कस देना है। देखिए दोस्तों ये पूरा बनकर हमारा बोर्ड कंप्लीट हो चुका है। अगर हमने अब यहाँ पे अगर एक बल्ब को जोड़ना है तो एक तार हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट दे देंगे, बल्ब का एक पॉइंट यहाँ पे जोड़ देंगे और एक पॉइंट यहाँ पे जोड़ देंगे और दूसरा बल्ब के लिए एक पॉइंट फिर दूसरे बल्ब का एक पॉइंट फिर यहाँ पे जोड़ देंगे, एक पॉइंट इसके दूसरे
दूसरे वाली स्विच में, तीसरे वाली जो ये स्विच है तीसरे वाली यहाँ पे जोड़ देंगे। अगर चौथा बल्ब फिर जोड़ना है हमें, फिर एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे दे देंगे दोस्तों, और हमारा चौथा बल्ब भी कम्प्लीट हो जाएगा। अगर फैन जोड़ना है तो एक बल्ब यहाँ पे, एक तार हमने यहाँ पे देना है और एक तार यहाँ पे देना है, तो आपका फैन का भी कम्प्लीट हो जाएगा। और जो मेन फेस वाली तार देनी है, जो मेन खम्भे से हमारी मीटर से आती है, वो यहाँ पे हमें दे देनी है। देखिए दोस्तों, दो वायर लेना है, छील लेना है दोस्तों ऐसे। ऐसे यहाँ पे लगा लेना है। टेस्टर की मदद से कस देना है दोस्तों। इसमें कोई दोस्तों दिक्कत होने वाली चीज नहीं है, बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। मेरे हिसाब से दोस्तों, आप अगर ये वीडियो अच्छी तरह से देख लेते हो तो नेट पे आपको कोई भी दूसरी वीडियो नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी, आपको वीडियो दूसरी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, ये हमारी दोनों मेन तार हो गई, जो कि हमारे पोल से आती है, खंभे से आती है जो। देखिए दोस्तों, मैं फिर एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर समझ लीजिए, ये हमारा बल्ब का तार है, एक तार हमने यहाँ पे देना है और एक तार यहाँ पे देना है, ठीक है दोस्तों। एक तार यहाँ पे जोड़ना है, जो हमारी यहाँ से फेस वाली आ रही है वायर, यहाँ पे देना है, और एक वायर यहाँ पे देना है स्विच वाली जगह पे, जो हमारी ये स्विच है, ये इसकी स्विच तो ये हो गई दोस्तों, इस वाली 5-pin सॉकेट की स्विच ये हो गई। अगर हमने बल्ब जोड़ना है तो ये वाला स्विच पे बल्ब जोड़ना चाहते हैं तो एक तार हम यहाँ पे जोड़ देंगे और एक तार ये इस वाले स्विच के एक पॉइंट पे जोड़ देंगे। अगर दूसरा बल्ब हमने जोड़ना है फिर एक पॉइंट इसी पे जोड़ेंगे इस पे, और एक तार यहाँ पे जोड़ देंगे दूसरे वाले, तीसरे वाले ये वाली है जो इस पे है, इस पे जोड़ना चाहते हैं तो एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर जोड़ लेंगे, तो हमारा दूसरा बल्ब भी जल जाएगा। अगर हम फैन जोड़ना चाहते हैं तो सेम वही तरीका है दोस्तों, एक तार यहाँ पर और एक तार यहाँ पर जोड़ना है जो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट, दोस्तों हमारा फैन भी चालू हो जाएगा। सेम दोस्तों, किसी भी स्विच अगर लगाना होता है, अगर किसी भी प्रकार के किसी भी फैन, चाहे मोटर हो चाहे कोई भी अगर वगैरह चीज़ हो, उसमें ये अगर स्विच लगाना है तो सेम इसी तरह से लगता है दोस्तों। एक तार आपका डायरेक्ट न्यूट्रल चाहे फेस में जाएगा और एक तार आपका यहाँ पे एक पॉइंट पे जाएगा, और एक पॉइंट जो बचा हुआ है फेस चाहे न्यूट्रल, यहाँ पे यहाँ स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे लग जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों ये बात याद रखने वाली है कि एक तार जो डायरेक्ट आती है वो स्विच में जाती है, और एक तार दूसरे तार के डायरेक्ट में जाती है, तो दोनों पॉइंट बस दो पॉइंट बच जाते हैं, तो एक तार जो हमारा बचा हुआ पॉइंट उस पे जाता है फेस चाहे न्यूट्रल, और एक पॉइंट जो बचा होता है वो हमारे स्विच के ऊपरले भाग में लग जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब इसका हम ऑन करके दिखाते हैं आपको, आपको इंडिकेटर चलेगा, इंडिकेटर चलेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक स्विच यहाँ पे बच गई हमारी, इस पॉइंट पे भी आप जोड़ना चाहते हैं, पंखा चलाना चाहते हैं, जब बल्ब चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी आप एक तार यहाँ पर और एक तार यहाँ पर देकर चला सकते हैं दोस्तों। एक तार यहाँ पे जोड़नी ही पड़ेगी दोस्तों आपको, और एक तार यहाँ पे जोड़ के आपको चला सकते हैं, कुछ भी बल्ब चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, कोई भी चीज़ आप चला सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप बच गए हमारा ये फ्यूज, तो आप हम इसको बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये हमारा फ्यूज हो गया, तो फ्यूज में आपको सिंपली ऐसे मिलेगा दोस्तों, जिसमें वायर नहीं लगा होता दोस्तों। आपको नया जब लेने जाएंगे मार्केट से तो आपको यहाँ पे वायर नहीं लगा होगा, तो आपको क्या करना क्या है, सिंपली पतला वायर लेना है, जितना आपका घर का लोड है दोस्तों उतना ही वायर आपको पतला लेना है, उस हिसाब से यहाँ पे एक वायर लगा देना है, और दोनों में वायर लगा कर इस तरह से इसमें कस देना है दोस्तों। ऐसे बहुत ही ईजी लग जाएगा दोस्तों, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। देखिए दोस्तों, ये लग के तैयार हो चुका है, इसको भी लगा देना है दोस्तों, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है दोस्तों, तो इसको हम चला के आपको दिखाते हैं।
तो चलो दोस्तों आपको हम ये इसका इंडिकेटर जलाकर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ये मेन लाइन है जो हमारी न्यूट्रल और फेस है, इसको हम न्यूट्रल और फेस दे देंगे तो हमारा इंडिकेटर चालू हो जाएगा। दोस्तों देखिए, देखिए दोस्तों हमारा इंडिकेटर जल रहा है। इसमें आपको हम चार्जिंग लगाकर दिखा देते हैं दोस्तों, इसमें चार्जिंग भी जलता है दोस्तों, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे मोबाइल का चार्जर लगा दिया है। देखिए दोस्तों अब हम इसको आपको स्विच को वर्क करके दिखाएंगे। देखिए दोस्तों मैं इसको मेन लाइन देता हूँ, अब देखिए दोस्तों वहाँ पे बल रहा है कि नहीं बल रहा है। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों हमारा चार्जिंग का जो बत्ती है वो शुरू कर रहा है, इसमें लाइन आ चुका है। देखिए दोस्तों आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं आराम से। देखिए दोस्तों हमारा बटन भी वर्क कर रहा है। देखिए दोस्तों इसका बटन भी ऑन कर, दोस्तों बटन ऑन में काम कर रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों वीडियो आप देखकर कोई भी वायरिंग आसानी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले दोस्तों। वॉचिंग फॉर वीडियो दोस्तों।